हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको दिखाऊंगा ओपनिंग ट्रैप्स। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी कंटिन्यूस किंग्स गैम्बिट के बारे में। किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड की सारी ट्रैप्स मैंने आपको बता दी, किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन की सारी ट्रैप्स आपने देख ली। आज आपको किंग्स गैम्बिट में फॉक बियर काउंटर गैम्बिट इसके बारे में ट्रैप बताऊंगा। फॉक बियर काउंटर गैम्बिट वो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। E4, E5, F4 और D5, इस लाइन को कहते हैं फॉक बियर काउंटर गैम्बिट। यहाँ से पहली ट्रैप शुरू होती है। ये जो लाइन है इसमें ब्लैक विनिंग होता है। इस लाइन में कैसे होता है, व्हाइट ने यहाँ पर नाइट F3 किया। ओके, नाइट F3 के बाद यहाँ पे D क्रॉस E4, नाइट क्रॉस E5, नाइट C6, बिशप B5, पिनिंग। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि ये पिन को बचाने का बेस्ट चॉइस कौन सा है, बिशप D7 नेचुरल मूव है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा नाइट F6, बिशप आफ्टर नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, देन बिशप टेक्स चेक, बिशप D7 और बिशप टेक्स A8। अब यहां से शुरू होता है सिंपल ट्रैप, क्या है, बिशप टू G4 क्वीन ट्रैप है। देखो दोस्तों, सिंपल, क्वीन के पास कोई जगह नहीं है। अगर यहां पे व्हाइट एक आध मूव चाहता है चेक देके, तो सिंपल किंग E7, देन आपकी क्वीन, व्हाइट की क्वीन ट्रैप हो रही है सिंपल। ओके चलो, यहां ये थी हमारी पहली ट्रैप नाइट F3 की लाइन में। नाइट F3 की लाइन में आपको नाइट E5 में NC6 पिन करने देना है वाइट को और नाइट डेवलप कर लो। नेक्स्ट में अगर वो नाइट टेक्स, पॉन टेक्स और आपका रुक लेना चाहता है तो यहाँ पे उसकी गेम लॉस होगी, क्योंकि बिशप G4 और क्वीन के पास कोई जगह नहीं। ओके, यहाँ पे हम दूसरी ट्रैप देखते हैं दोस्तों इसी गेम में। NF3 के बदले हम यहाँ से मूव चेंज करेंगे। यहाँ पे वाइट खेलता है NC3। ओके, NC3 में आपको खेलना है D4 और यहाँ देखो, अगर वाइट ने मिस्टेक की नाइट D5 तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर होगी। सिंपल C6 और नाइट तुरंत ट्रैप होता है। बहुत ही सिंपल, आसान सी चार मूव की ट्रैप है, ओनली 4 मूव्स। अगर वाइट नाइट को समझो कि D2 करता है तो उसका डेवलप नाइट तो बैक हो गया और यहाँ से आप ब्लैक से अच्छी तरह से गेम खेल सकते हो। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। E4 E5 F4 D5 E into D5, यहाँ पे एक चॉइस है हमारी E takes D5। व्हाइट से खेलते हैं Queen D5 अगर कर दिया तो यहां पे आपको करना है Knight C3, Queen E6, दो ऑप्शन है Queen E6 और Queen D8, दोनों देखेंगे। पहली ट्रैप में Queen E6, अगर ब्लैक Queen E6 करता है तो आपको खेलना है Knight F3। अब आपको यहां पे डिस्कवर चेक अलाउ करना है आफ्टर पॉन टेक्स डिस्कवर चेक King F2 Bishop D6 और यहां पे वाइट टू प्लेन विन। आप वीडियो पॉज करके अपने खुद ही मूव देखिए, मैं बताता हूँ BB5 चेक। अगर C6 या BD7 या Knight C6, एनी ऑफ मूव, यू कैन सिंपली पिन दिस क्वीन और आप क्वीन आराम से जीत सकते हो। अगर वाइट ने चेक में King D8 या F8 कर दिया तो दोनों ओर से RE1 बहुत ही डेंजर आता है। क्वीन गोज एनीवेयर, नेक्स्ट मूव में चेक में। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रैप। अब देखते हैं ट्रैप नंबर 4 Queen D8 के बारे में। इसी गेम में Knight C3 के बाद अगर ब्लैक Queen D8 करता है तो Queen D8 के बाद Queen E2 पॉन को पिन करना है। C6 Queen takes E5 Bishop E7, यहाँ पे दोस्तों ये ट्रैप ब्लैक की ओर से है, खास ध्यान रखिए।
बिशप क्वीन इंटू जी सेवन बहुत ही बड़ा ब्लंडर है यहाँ पे। कैसे ब्लंडर है? आफ्टर बिशप एफ सिक्स आप देख सकते हो कि क्वीन के पास ओनली ऑप्शन है क्वीन टू जी थ्री और उसके बाद बिशप एच फोर। तो ये ट्रैप थी ब्लैक की ओर से। व्हाइट और ब्लैक की ओर से दोनों ओर से ट्रैप देख के आप पूरी ओपनिंग तैयार भी कर सकते हो दोस्तों। अपने नोट में लिख लीजिए, अगर आप ब्लैक से खेलना चाहते हैं तो ब्लैक की जो सारी ट्रैप्स है वो देख लीजिए, और अगर आप यही गैम्बिट व्हाइट से खेलना चाहते हैं तो व्हाइट की जितनी भी ट्रैप्स है, मेरी तीन या चार लगातार कंटिन्यूस मैंने वीडियो बनाए हैं किंग्स गैम्बिट के बारे में, वो तो सारे वीडियो देख के अपनी एक नोट बना सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं। इसमें टोटल सिक्स ट्रैप मैं बताऊंगा आपको। यहां पे ब्लैक प्लेस ई फोर, पॉन क्वीन से मारने के बजाय ई फोर करता है ब्लैक। व्हाइट रिप्लाई देता है नाइट सी थ्री, पॉन को सपोर्ट और अटैक। नाइट एफ सिक्स, क्वीन ई टू, बिशप एफ फाइव, ब्लैक उसे पॉन को बचाना चाहता है। नाइट टेक्स ई फोर, ये बहुत डेंजर मूव है। आफ्टर नाइट टेक्स ई फोर डी थ्री और नाइट पिन हो जाता है, लेकिन ये भी ट्रैप ब्लैक की ओर से है। क्वीन एच फोर चेक जी थ्री और यहाँ पे क्वीन ई सेवन। अब देखो ये नाइट अनपिन हो गया क्योंकि पीछे क्वीन आ गई है। क्वीन नाइट अब हटा सकता है, तो व्हाइट अगर उसे मारना चाहता है पॉन टेक तो सिंपल बिशप ई फोर, और अब ये रुक ट्रैप हो गया है। तो रुक को बचाने के लिए अगर नाइट एफ थ्री किया तो बिशप टेक्स नाइट और सिंपल ब्लैक पीसअप हो जाएगा, क्योंकि क्वीन ऑलरेडी पिन है तो क्वीन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है। क्वीन टेक्स क्वीन में सिंप्लीफाई होगा, और यहाँ पे अगर नाइट के बदले व्हाइट ने बिशप जी टू किया तो सिंपल बिशप टेक्स बिशप और भी ज्यादा नुकसान व्हाइट का होगा। चलिए लास्ट ट्रैप दिखाता हूं आपको। इसी लाइन में ई फोर के बाद व्हाइट नाइट सी थ्री के बदले पहले चेक देता है यहां पे बीबी फाइव चेक। यहां पे ब्लैक खेलेगा सी सिक्स, पॉन टेक्स पॉन और बिशप ए फोर, क्वीन डी फोर। ये बिशप पे अटैक वाली मूव है, कई लोग ऐसा खेल लेते हैं, लेकिन यहां से सी थ्री और उसके बाद क्वीन डी सिक्स, ये ट्रैप ब्लैक की ओर से है। मैं आपको बोर्ड फ्लिप कर दूंगा। चलिए यहां से व्हाइट रिप्लाई देता है नाइट ई टू, आइडिया बिहाइंड दिस मूव सिंपल कैसलिंग करना है, और बिशप से नाइट को पिन कर दिया, व्हाइट ने कैसल कर दिया, और यहाँ पे क्वीन डी थ्री। अब देखो नाइट पे दो दो अटैक आ गए हैं, रूक ई वन फोर्स मूव है क्योंकि नाइट पिन भी हो चुका है, तो आर ई वन और उसके बाद बिशप सी फाइव चेक। अब यहाँ से सिंपल ब्लैक टू प्लेन विन। आप वीडियो पोस्ट करके मूव देखिए, अगर व्हाइट ने किंग एफ वन कर दिया तो आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करके मुंह ढूंढिए, मेट इन टू मूव्स, क्योंकि क्वीन सैक्रिफाइस, पॉन टेक्स क्वीन एंड बिशप एस थ्री चेकमेट। ओके, यहां पे किंग एफ वन के बदले अगर एच वन जाता है तो बढ़िया मूव आपको बताऊंगा, बिशप एफ थ्री। अब देखो अगर व्हाइट ने आपके क्वीन पे काउंटर अटैक किया तो यहाँ पे सिंपल मेट इन टू मूव्स है, बिशप टेक्स जी टू, किंग टेक्स और क्वीन एफ थ्री चेकमेट। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ट्रैप्स, टोटल सिक्स ट्रैप्स आपको बता दी है मैंने फॉक्स बियर गैम्बिट, फॉक्स बियर काउंटर गैम्बिट। नेक्स्ट वीडियो से आपको कुछ अलग अलग और भी ओपनिंग्स की ट्रैप्स में बताऊंगा। बहुत सारी ट्रैप्स है मेरे पास, 700 ओपनिंग ट्रैप्स है, और बहुत सारी ट्रैप्स तो ऑलरेडी मैं मोर देन 100 तो बता चुका हूँ। यहाँ पे डेमियानो डिफेंस, लेट क्वीन काउंटर गैम्बिट, क्वीन पॉन काउंटर गैम्बिट, अल्पिन ओपनिंग, पोन्जियानी ओपनिंग, इतनी सारी ट्रैप्स बाकी है, उसके बाद और भी बहुत सारी ट्रैप्स बाकी है। इसीलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें, कंटिन्यूज आपको वीडियो ऑल्टरनेट डे में मिलता रहेगा। हर ऑल्टरनेट डे में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरा वीडियो अपलोड होता ही है, हो सकता है कई एक आध दिन मिस हो जाता है, लेकिन रेगुलरली वीडियो अपलोड होते रहते हैं। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।